हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू इंडियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी रोल, वेज काठी कबाब रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रोटी तैयार कर लेते हैं। आप नॉर्मल रोटी भी ले सकते हैं या टोटल आप मैदे का आटा गूंदें और उसकी रोटी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ और 1/2 कप मैदा मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल मिला के इसका एक आटा गूंद देंगे। इसकी रोटी बना लेते हैं हम। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं घर पे वैसे ही बनानी है, बस ज़्यादा पतली मत रखिएगा। सारी रोटी तैयार करके हम रख देते हैं। अब काठी का मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, उसमें डालेंगे बेसन, बेसन को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा ऐसे रंग का ना आ जाए। ये देखिए, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं मसाले, नमक जाएगा, काला नमक, मिर्च, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश दही डाल रहे हैं यहाँ पे, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे। इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स पनीर ले लेती हूँ, इसे लेंथ वाइज काट लेती हूँ। आप जैसे चाहें उसे कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स में चाहें छोटे कट कर लीजिए। मैं ये ऐसे लेंथ वाइज कर रही हूँ। इन सबको मसाले में डाल देते हैं और अच्छे से कोटिंग लगा देते हैं पनीर के ऊपर मसाले की। ये देखिए, अब घर में आपके पास जैसे भी स्क्वायर्स हों, ऐसे वाले हों, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या जो नॉर्मल लकड़ी के होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं ये वाले। इनको बस आप यूज़ करने से पहले 1/2 घंटे पहले पानी में डिप करके रखिएगा ताकि आग पे ये जले ना। ये ऐसे हम इसको पनीर को अरेंज करते जाएंगे। अब इसको हम डायरेक्ट हीट देंगे, इसे आप घुमाते हुए डायरेक्ट हीट दीजिए। बस ज़रा से जब काले स्पॉट आ जाएंगे तब तक करें, क्योंकि हमने पहले ही बेसन को अच्छे से पका लिया था और ये ब्लैक स्पॉट आने से बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाता है। ये दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ये हो गया। इतना ही करना है हमने। बटर लगा के हमने जो पहले रोटियां बनाई थी उनको हम फिर से एक बार थोड़ा सा सेक लेते हैं। आप चाहें तो रोटी का यूज़ कर लें या पराठे बना लें, इट्स अप टू यू। दोनों साइड से सेक लिया है, अब रोल तैयार करते हैं। आप अपनी पसंद की चटनी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हरी चटनी यूज़ कर रही हूँ। पनीर, प्याज, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको शिमला मिर्च डालनी है आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सिंपल रखा है। इसमें थोड़ा सा ये वाला मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत एक चटपटा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने नींबू मसाले में पहले नहीं डाला था। यहाँ पे डालेंगे टोमेटो केचप और मेयोनीज़। अब इसे हम एक साइड से उठाते हुए ऐसे रोल कर देंगे। खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा काठी रोल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।